Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of data handling. This is 5th question of its exercise 3.3. So the question says that consider this data collected from a survey of a colony. So my data given here, table form. So first draw a double bar graph using an appropriate scale. So firstly हमें bar graph draw करना है. So यहाँ पर हम scale लेंगे. 1 unit is equal to 100 people and so हम यहाँ पे bar graph draw कर लेंगे जिसमें हम x axis पर sports and y axis पर number of peoples represent करेंगे. So green color से हमने people who watching and pink color से represent किया है people who participating. So हमने यहाँ पे scale लिया है 1 unit is equal to 100 people. सेकेंड विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर. सो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? सो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिकेट है क्योंकि इसे ही सबसे ज्यादा वॉच कर रही है पब्लिक एंड पार्टिसिपेट भी कर रही है. सो आ जाएगा यहाँ पे क्रिकेट. एंड इन थर्ड विच इज मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स. सो यहाँ पे हमारे पास वॉचिंग पार्टिसिपेटेशन से ज्यादा है, वॉचिंग पार्टिसिपेशन से ज्यादा है. सब जगह हम देखेंगे सभी में क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स, सब में हमारे पास लोग वॉचिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं पार्टिसिपेट से. सो यहाँ पे आ जाएगा वॉचिंग. थैंक यू.